वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। हथियारों की आपूर्ति करने के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA द्वारा की जा रही पूछताछ से घबराकर मेरठ जिले के हसनापुर दूधली निवासी युवक परमजीत सिंह उफ मंगल ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। दरअसल 11 जुलाई को NIA ने परमजीत सिंह को उसके घर से उठाया था। घर से 9 लाख रुपए भी बरामद हुए थे। मैं हूँ रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट ऑन TV। जिस वक्त परिजन शव का अंतिम संस्कार करने के लिए ले जा रहे थे, सूचना पाकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया। यहाँ परमजीत के पिता ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। 11 तारीख को NIR वाले गए थे हमारे गांव में, उन्होंने छापा मारा था। हमारे कागजात और कपड़ा लत्ता सब खुर्द-बुर्द कर दिया। उसने हमारे घर में 9 लाख रुपए निकले थे, ठीक है। उसके बाद लड़के को ले आए मेरठ, ठीक है। जब लड़के को ले आए तो उन्होंने पूछताछ करके मेरे को 7 बजे बुलाया। मेरठ में पूछताछ करके मेरे को 7 बजे बुलाया कि अपने लड़के को ले जाओ। मैं गाड़ी किराए पे करके लाया और इनसे बातचीत की। इन्होंने मेरे से ये कहा कि हम एक शर्त पर छोड़ेंगे, अगर जब हम लड़के को बुलाएं बयान देने पड़ेंगे। हमने कहा ठीक है, हम लाएंगे। फिर हम गए 19 तारीख में चंडीगढ़ नोटिस आने पे। 19 तारीख में गए, 19 तारीख में 2 बजे से 7 बजे तक बयान लिए इन्होंने लड़के के। 7 बजे छूटने के बाद इन्होंने मेरे से ये कहा कि भाई इसे हमने सब कुछ समझा दिया है, ये आप तो घर जाके सब कुछ बता देगा, लेकिन हमें लड़के ने कुछ नहीं बताया। यह भी जानकारी में आया है कि पंजाब में पुलिस हिरासत से फरार 3 कुख्यात आतंकियों के विदेश में होने की खबर है। विदेश में बैठे ये आतंकी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं और वहीं से अपने लोगों से पंजाब में हत्या और सुपारी किलिंग का कारोबार चला रहे हैं। पंजाब पुलिस और NIA को इस मामले में मुजफ्फरनगर के सैदपुर फिरोजपुर गांव के गगनदीप की तलाश थी। गगनदीप को जब इसकी भनक लगी तो वह मौका पाकर NIA से पहले ही दहेज उत्पीड़न के मामले में जेल चला गया। टीम ने उसे रिमांड पर लिया तो पूछताछ में परमजीत का नाम भी सामने आया। इसे लेकर ही टीम पूछताछ कर रही थी। इस खबर में फिलहाल इतना है। इस खबर पर बनी रहेगी हमारी बराबर नजर। अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान बेहद सतर्कता बरतने की जरूरत है। जब तक जरूरी ना हो घर से न निकलें। सरकारी गाइडलाइन का पालन करें, घर में रहें, सेफ रहें और देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।